नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द पॉसिबल वैल्यूज 1, 2 एंड 3। ओके, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज ये दे रखी हैं और आगे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जे इजिकल टू 1/2 की पावर जे। आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जे इजिकल टू 1/2 की पावर जे और जे की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। आपसे कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, पहली प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करनी है जब एक्स इवन हो, दूसरी प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करनी है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, तीसरी प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करनी है जब एक्स इज डिविजिबल बाई 3 हो। ठीक है ना, यानी एक्स की वैल्यू 2, 4, 6 लेकर के चलनी है, एक्स ग्रेटर देन 5 लेकर के चलना है, एक्स डिविजिबल बाई 3 यानी 3, 6, 9, 12, 15 ये लेना है। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जे इजिकल टू 2 की पावर j, ये आपको गिवन है। एक्स इज पहले वाला केस देख रहा हूँ बेटा, कह रहा है कि एक्स इज इवन। एक्स इज इवन का मतलब निकलता है, एक्स इज इवन का मतलब क्या, तो एक्स की वैल्यू 2 हो या एक्स की वैल्यू 4 हो या एक्स की वैल्यू 6 हो या एक्स की वैल्यू 8 हो, यही तो होना। या का मतलब है प्लस है, इसलिए जोड़ते हुए चलना हूँ, ये जो प्लस है। एक्स की वैल्यू 2 हो या प्लस, एक्स की वैल्यू 4 हो या प्लस, एक्स की वैल्यू 6 हो या प्लस, एक्स की वैल्यू 8 एंड सो। ओके, जब एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 डालो, 1/2 की पावर 2 आएगा ना, 2 डाल करके देखो, 1/2 की पावर 2। जब एक्स की वैल्यू 4 है, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा ना। जब एक्स की वैल्यू 6 है, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, कितना निकलेगा, 1/2 की पावर 6 होगा ना, वैल्यू डालो यहाँ। तो एक्स इजिकल टू इवन, जब एक्स की वैल्यू 2 है, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 2 1/2 की पावर 2 होएगा, एक्स इजिकल टू 4 पर 1/2 की पावर 4 होएगा, एक्स इजिकल टू 6 पर 1/2 की पावर 6 होएगा ना, होएगा ना। क्लियर आ चुका ना, आगे चलते हैं यहाँ से। 1/2 की पावर 2 कॉमन नहीं ले सकता क्या, 1/2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 1 प्लस 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4। जब इसके अंदर मैं GP लगाऊंगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लगाई थी, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, ये GP है, a/(1-r) ये होगा a/(1-r)। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, एक तो निकल गया 1/4, ये तो मेरा 1/4 हुआ, 1/(1-) कितना हुआ 1/4, ये कितना निकल गया बेटा 1/4, 1/3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1/3 नहीं बच रहा क्या, देखो आप वही 1/3 आ चुका। क्लियर, a/(1-r) 12th क्लास की किताब खोल करके देखना, यहाँ से a/(1-r) a=1 है। क्लियर, आगे देखता हूँ भाई अगले वाला केस अराइज करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। चलो इसको भी देखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखे हो तो आपको समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 5 का मतलब है 1-probability एक्स लेस देन 5। क्लियर, एक्स लेस देन 5 प्रोबेबिलिटी आपको जो गिवन है बेटा वो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जे पर दे रखी है 1/2 की पावर j। आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जे इजिकल टू 1/2 की पावर j। ओके, अब आपको निकालनी है 5 से कम। 5 से कम का मतलब है वैल्यू कितनी है जे की, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जे की वैल्यू उठानी है, यही तो उठानी है ना। उठाओ भाई, 1-probability x इजिकल टू 1 एक तो ये बना, प्लस प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 दूसरा ये बना, प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 3 तीसरा ये बना, प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 4 ये बना। 5 से तो कम ही है ना, अभी उससे अगले वाला तो 5 आ जाएगा। अब ये देखो बेटा, 1 probability x इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 1 पर वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1 1/2 नहीं होगी का। प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 2 यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, एक्स इजिकल टू 2 जे की जगह 2 डालो, कितना निकला 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 3, एक्स इजिकल टू 3 यानी 1/2 की पावर 3 कितना निकल गया 1/2 की पावर 3 का मतलब कितना निकल गया बेटा, ये तो 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, प्लस 1/8 और भी होगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, प्लस कितना हुआ 1/8 निकल गया ना। एक्स इजिकल टू 2 पर तो 1/4, 3 पर 1/8। क्लियर, 4 पर देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 4 यानी 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 1/16 यहाँ तक होगा, कितना होगा, ये होगा 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 निकल गया ना। जब आप इस कंसेप्ट को हल करोगे, यानी आपके पास जो रिजल्ट निकल कर गया बेटा, रिजल्ट वो ये निकल कर गया 1 माइनस
एक्स इजिकल टू वन पर निकला एक बटे दो प्लस एक बटे चार प्लस एक बटे आठ प्लस एक बटे सोलह। आप इसको हल करो या ना करो, सिंपल तरीके से जब आप इसको हल करोगे आपके पास फाइनली एक बटे सोलह निकलेगा। कहो तो मैं हल करके दिखा दूँ। आप यहाँ से सोलह एलसीएम ले लो, आठ तो आया ये प्लस चार चौक सोलह हुआ ये प्लस दो प्लस वन, आठ और चार बारह और दो चौदह और एक पंद्रह, कितना होएगा ये पंद्रह बटे सोलह तो आएगा अंदर वाला। अब यहाँ से देखो वन माइनस पंद्रह बटे सोलह कितना बचा भाई, एक बटे सोलह नहीं बच रहा क्या, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, क्लियर, एक बटे सोलह आपका ये एक बटे सोलह आ चुका। आगे चलते हैं। अब आगे कहना चाह रहे हैं कि अगले वाला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज डिविजिबल बाई थ्री, तीन से डिविजिबल हो, एक्स इज डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री का मतलब क्या, तो तीन हो या फिर छः हो या फिर नौ हो एंड सो ऑन, कितना निकल करके आएगा भाई। आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जे कितना दे रखा है भाई, वन अपॉन टू की पावर जे दे रखा है ना। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू थ्री कितना निकलेगा, एक बटे दो की पावर तीन नहीं निकलेगा क्या, पहले वाला निकलेगा दो की पावर तीन, अगले वाला निकलेगा दो की पावर छः, अगले वाला निकलेगा दो की पावर नौ एंड सो ऑन। ये मैंने लिख दिया है होमवर्क, इसको जो है ना आगे आपको खुद को हल करना है। ए अपॉन वन माइनस आर ये जी पी बनेगी, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ये बनेगी जी पी ए अपॉन वन माइनस आर, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करना है, आंसर लिख लेना है। और तू आसाम का स्टूडेंट जो मेरे से क्लास ले रहा है, जिसने मेरे को पैसे दे दिए हैं, इसका आंसर मेरे को बताना है, आंसर मैं तेरे को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कल तक आंसर देना है तेरे को। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे, बाय।